टीवी चैनल हो, समाचार पत्र हो या फिर जहानाबाद न्यूज, हमने आपको लगातार सूचित किया है कि जिला प्रशासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है, शाम 7 बजे के बाद कोई भी दुकान, सार्वजनिक प्रतिष्ठान कुछ अपवादों को छोड़कर खुला नहीं रखा जाएगा। और ये जांचने के लिए जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला शाम 7 बजे के बाद सड़कों पर उतरा। जिला पदाधिकारी खुद न सिर्फ मेन रोड बल्कि अलग अलग चौक चौराहों पर भी पहुंचे और वहां जांच की कि कहीं नियमों का पालन तो ठीक से हो रहा है या नहीं। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने जिन दुकानों को जो अपवाद में नहीं आते उन्हें खुला देखकर हड़काया। जरूरी भी था क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त के काबिल नहीं, ऐसी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। इन तस्वीरों को तो आपने देखा, गनीमत रही कि जिला पदाधिकारी ने सिर्फ सख्ती से उसे बोलते हुए दुकान को बंद करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये गनीमत रही। क्योंकि आपको बता दें कि अगर निर्देशों का उल्लंघन करते कोई भी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी, पैंडेमिक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इतना ही नहीं प्रतिष्ठान को सील भी कर दिया जाएगा। देखिए किस तरह से जिला प्रशासन का अमला सड़क पर उतरा और दिशा निर्देशों के पालन को लेकर सख्ती बरतता नजर आया। आगे वीडियो देखिए और अंत में ये जरूर सुनिए जिला पदाधिकारी ने क्या कहा है, नियमों का पालन नहीं करने वालों के साथ क्या होगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी जगहों पर जिला पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस पदाधिकारियों से भी उन्होंने चौक चौराहों पर पूछा कि अगर नियमों का पालन कराने को लेकर उन्हें और बल की आवश्यकता है तो वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। निर्धारित समय के बाद अगर प्रतिष्ठान खुले पाए जाएंगे तो कोविड जो गाइडलाइन है और एपिडेमिक एक्ट का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, फाइन किया जाएगा और उस दुकान को सील किया जाएगा।